प्राइवेट नौकरियों में स्थानियों की नियुक्ति हुई आसान। सीएम सोरेन ने लॉन्च किया झार नियोजन पोर्टल। झारखंड में प्राइवेट नौकरियों के 40,000 वेतन तक की नौकरियों में 75% पदों पर हुनरमंद स्थानीय युवाओं की नियुक्ति में अब तेजी आएगी, साथ ही इनकी राह अब और आसान होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शुक्रवार को विधानसभा स्थित अपने कक्ष से झार नियोजन पोर्टल को लॉन्च किया है। श्रम नियोजन द्वारा तैयार झार नियोजन .jharkhandgov.in पोर्टल से सरकार ने नियोक्ताओं और रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है। पोर्टल पर नियोक्ता व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल की जानकारी साझा कर सकते हैं। अभ्यर्थी यहां निबंधन कराकर रोजगार के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए सरकार ने झारखंड के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 पारित कराया है। यह 12 सितंबर 2022 से प्रभावी है। यह अधिनियम वैसे निजी प्रतिष्ठान पर लागू है जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों को पोर्टल पर अपना निबंधन कराना है। वैसे प्रतिष्ठान जहां पर अधिनियम लागू होता है द्वारा यदि रिक्तियां निकाली जाती है तो 40,000 वेतन तक के पदों पर 75% स्थानियों को नियुक्त करना होगा। इसका लाभ लेने के लिए युवाओं को रोजगार पोर्टल पर निबंधित होना होगा। वही जरूरत के अनुसार युवाओं को सरकार देगी प्रशिक्षण। जी हां, कंपनियों की ओर से स्थानीय स्तर पर कौशल युक्त मानव बल की कमी के बारे में जानकारी देने पर सरकार कौशल प्रशिक्षण दिलाएगी। ऐसा प्रावधान अधिनियम में किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत दंड का प्रावधान है, लेकिन झारखंड राज्य के प्रति अपने सामाजिक एवं भौतिक दायित्वों के निर्वहन के क्रम में स्थानीय कंपनियों एवं नियोक्ताओं से अपेक्षा की गई कि वह इस अधिनियम का स्वेच्छा से अनुपालन कर स्थानियों को रोजगार के अवसर दे। अधिनियम नियम का विस्तार पूरे राज्य में 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था जिसे सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए पर लागू होगा। इसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होंगे, पर केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों उपक्रमों में आउटसोर्स से सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। प्रत्येक नियोक्ता स्वयं को झार नियोजन पोर्टल पर निबंधित करेगा एवं 30 दिनों के अंदर 40,000 रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की विवरणी पोर्टल में प्रविष्ट करेगा। अधिनियम नियम के तहत रिक्तियों एवं नियोजन के बारे में हर 3 माह में जो है नियोक्ता को जानकारी विभाग के साथ साझा करनी होगी। तो इसी तरह और भी झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।